क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. एक आयरन का पीस दे रखा आपको, और ये वाला जो आयरन का पीस है इसका मास है 100 ग्राम. ये आयरन पीस है, आयरन पीस है, और इसका जो मास है वो 100 ग्राम है, और ये एक फर्नेस के अंदर रखा गया है. ठीक है, एंड देन पुट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम. एक कैलोरीमीटर है, यहाँ पे एक बॉक्स है ये वाला, और इस बॉक्स का जो वाटर इक्विवेलेंट है, इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 10 ग्राम है. वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये 10 ग्राम, राइट. अब उसके बाद कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर 240 ग्राम पानी है, 240 ग्राम पानी है, और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट, 20 डिग्री सेल्सियस. द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस. अगर इसको इसके अंदर रख दिया जाए तो जो कॉमन टेम्परेचर हो जाता है, कॉमन टेम्परेचर वो होता है 60 डिग्री सेल्सियस. इसने ये बोला है कि कॉमन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, यानी कि इसका टेम्परेचर मान लो टी होगा, इसका टेम्परेचर वही होगा जो फर्नेस का है, तो इसका टेम्परेचर बताना आपको. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन ये दे रखा आपको, इसके अंदर 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये दे रखा आपको. इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 470 दे रखी है आपको. एचसीवी का एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को. देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री है वही लगेगा, मतलब हीट लॉस इक्वल टू टोटल हीट गेन, टोटल हीट लॉस इक्वल टोटल हीट गेन, बार बार यही लगता है कैलोरीमीट्री के हर क्वेश्चन के अंदर. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही लगेगा, टोटल हीट लॉस इक्वल टोटल हीट गेन. तो इसके अंदर एक्स्ट्रा बात क्या है, इसके अंदर एक तो एक्स्ट्रा बात जो है इसके अंदर हमें सीखने के लिए मिलती है, एक तो इसने वाटर इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है बस ये अलग है वाटर इक्विवेलेंट, और दूसरी बात इसने जो है ना जो जिक्र कर रखा है इसने एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसआई सिस्टम में दे दी. याद रखिए अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर इसने दे रखी हो, स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर इसने दे रखी हो तो वही वाली यूज करेंगे हम, अपनी मर्जी से कोई भी यूज नहीं करेंगे. याद रखिए कि एचसीवी के जितने भी क्वेश्चन है सब में स्पेसिफिक कैपेसिटी मेंशन कर रखी है, और वही वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करोगे. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसने एसआई सिस्टम में दे रखी है, ये किसके अंदर है, एसआई सिस्टम के अंदर. तो आपको ऐसे केस में ये पूरा क्वेश्चन ही एसआई सिस्टम में सोल्व करना पड़ेगा. एसआई सिस्टम में जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है, ठीक है ना, एसआई सिस्टम के अंदर मास किलोग्राम में होता है, यानी कि आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये जो वाटर दे रखे 240 ग्राम इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो देखिए हम, यानी कि इसके अंदर दूसरी बात ये है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, बस दो बातें नहीं है, एक तो ये वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और दूसरी बात है कि इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एसआई के अंदर सोल्व होगा, यानी कि मास किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, राइट. अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करो, पहली बात मैं वाटर इक्विवेलेंट का मतलब बता रहा हूँ. ये जो कंटेनर है ना कंटेनर, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम मतलब सपोज इस कंटेनर में पानी डाला हुआ है तो यार गर्म तो ये कंटेनर भी तो होगा ना, ये कंटेनर भी तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लेगा, ये कंटेनर भी तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लेगा ना. तो इस केस के अंदर ताकि और पता है ये कितनी एनर्जी लेगा, मतलब जो है इस जितना 10 ग्राम पानी लेता है, मतलब ये है कि 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट चाहिए, इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए उतनी ही हीट चाहिए. मतलब इसका बिहेवियर 10 ग्राम पानी जितना होगा, इसका बिहेवियर 10 ग्राम पानी जितना होगा. आप एक बात बताइए, जैसे कि एक कप होता है, कप अगर हम चाय कप के अंदर डालते हैं ना तो चाय ठंडी हो जाती है, जब तक वो जिस बर्तन के अंदर आपने उसको गर्म किया है अगर उसी बर्तन में है तो चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. वो जैसे ही कप के अंदर डलेगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, चाय का क्यों हो जाएगा, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी वो, क्यों, क्योंकि जो कप है ना, जो कप है वो भी हीट एनर्जी लेता है, थोड़ी सी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कप का, तो थोड़ी सी हीट एनर्जी वो ले लेगा चाय में से, तो इस प्रकार इस वजह से जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी. तो यानी कि देखो जितने भी कंटेनर होते हैं ना, जो बर्तन होते हैं उनको वाटर इक्विवेलेंट लिखा जाता है. वाटर इक्विवेलेंट मतलब वो उसका बिहेवियर कितने पानी जितना होगा, ठीक है ना. तो इसके अंदर इसका जो बिहेवियर है वो 10 ग्राम पानी जितना है, यानी कि आप एक काम करो, इसके अंदर 240 ग्राम पानी मानने की बजाय 250 ग्राम पानी मान लो. इसके अंदर ये मान लो कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो 250 ग्राम है, ये जो वाटर है, और ये जो कंटेनर हीट एनर्जी लेता देता है ही नहीं, मतलब ये हीट एनर्जी लेगा ही नहीं और जरूरत पड़ने पे देगा ही नहीं, सिर्फ इसका जो पानी अंदर का वो कितना मान लिया आपने, 250 ग्राम मान लिया. ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यानी कि आप एक काम करो, ये वाटर इक्विवेलेंट को काट दो एक बार, ये है ही नहीं, और यहाँ पे इसको 250 ग्राम कर दीजिए, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखिए इसमें ये लूज करने वाला है, ये गेन करने वाला है, तो इसमें हीट लॉस कितना होगा, एम एस डेल्टा टी. मास कितना है इसका, 100 ग्राम, 100 बटा 1000, ये तो मास हो गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है 470, और डेल्टा टी, अब मैं इसका डेल्टा टी लिखना है, इसका डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर कितना है इसका टी, माइनस में
डेल्टा टी यानी कि इसका टेम्परेचर जो है, सॉरी इसका टेम्परेचर पहले टी था और बाद में कितना हो गया कंबाइंड का 60 हो गया, तो इतना आया चेंज, तो ये तो क्या लॉस। और गेन कितना होगा इसके अंदर, फिर से एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे मास कितना है इसका 250 ग्राम, ठीक है, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको भी तो 1000 से डिवाइड करो। स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी वाटर की याद रखिए, अगर ना मेंशन कर रखी हो तो 4200 ही लेनी है आपको, 4200 ऐसा ही के अंदर, और इनटू डेल्टा टी, इसे जो टेम्परेचर था ना वो देखो 20 से 60 हो जाएगा बाद में, यानी कि 20 से 60 हुआ तो यानी कि 40 बढ़ गया एक प्रकार से, 40 का चेंज आया। तो अब आप इसको सोल्व करना है और सोल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हम इसको सोल्व करते हैं आंसर, ताकि मतलब कन्फर्म हो जाए कि आंसर आया कि नहीं आया। 0 0 कैंसिल हो गया, 47t - 60 = 2, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई यहाँ पे, और अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर बनेगा ये वाला, इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ मैं फ़ोन से। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया इसके अंदर कि 25 × 42 × 40, तो ये आपके पास आ गया 42000 42000 आपके पास आ गया, तो t माइनस 60 की वैल्यू आ जाएगी 42000 डिवाइडेड बाई में 47, तो मैंने जो किया गया डिवाइडेड बाई में 47 कर दिया, तो आपके पास आ गया 893.6, ये आपके पास निकल के आया, ठीक है ना। अब हम 60 को इधर लेके जाएंगे, अगर हम इसमें 60 को माइनस कर 60 को प्लस कर दें, अब इसके अंदर प्लस में 60 करते हैं हम लोग, तो 953 आ जाएगा आपके पास, 953.6 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा इसका, आई थिंक आंसर भी ये वाला है।